नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं मिथुन लग्न की जन्म कुंडली में कौन कौन से ग्रह योग कारक होते हैं, कौन कौन से ग्रह सम होते हैं और कौन कौन से ग्रह मारक होते हैं, इस जानकारी को लेकर के। ये मिथुन लग्न की कुंडली कैसे बनी, जहां पर लग्न लिखा हुआ देख रहे हैं वहां पर तीन नंबर है। तीन नंबर का अर्थ है तीसरी राशि। तीसरी राशि मिथुन राशि होती है। चूंकि मिथुन राशि लग्न में आ गई इसलिए यह मिथुन लग्न की कुंडली बनी। लग्नेश और चतुर्थेश यानी मिथुन राशि और कन्या राशि, इन दो राशि के स्वामी बनते हैं बुध। तो सर्वप्रथम नंबर वन योग कारक ग्रह के रूप में बनते हैं बुध। अब बात करते हैं कि बुध के कौन कौन से ग्रह मित्र हैं, वही इस कुंडली में योग कारक अथवा सम की भूमिका निभाएंगे। त्रिकोण के स्वामी योग कारक होते हैं। प्रथम बुध के मित्र हैं शुक्र। अब देखते हैं कि शुक्र को किस भाव का स्वामी दिया गया है। पंचम भाव, जहां पर सात नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, तुला राशि और वृषभ राशि, यानी शुक्र इस कुंडली के लिए पंचमेश और व्ययेश हो जाते हैं। चूंकि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि पंचम भाव मूल त्रिकोण के भाव में आ गई, इसलिए शुक्र को द्वादशेश यानी व्ययेश होने का दोष नहीं लगेगा। तो दूसरे योग कारक ग्रह बन गए शुक्र। शुक्र लग्नेश बुध के मित्र हैं और बुध भी शुक्र का मित्र हैं। बुध का दूसरा मित्र ग्रह है शनि। अब देखते हैं कि शनि को इस कुंडली में किस भाव का स्वामी दिया गया है, जहां पर 10 नंबर और 11 नंबर आप लिखा हुआ देख रहे हैं, यानी अष्टम भाव और नवम भाव, ये दो भाव इसके स्वामी बनते हैं शनिदेव। शनि इस कुंडली में अष्टमेश हैं और नवमेश हैं। चूंकि शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि मूल त्रिकोण भाव में नवम भाव में आ गई और वो लग्नेश बुध के मित्र हैं, लग्नेश बुध भी शनि का मित्र है, इसलिए इस लग्न की कुंडली में तीसरे योग कारक ग्रह बनते हैं शनि। तो इस लग्न की कुंडली में तीन ग्रह योग कारक बने, नंबर वन पर बुध, नंबर दूसरे पर शुक्र, नंबर तीसरे पर शनि। अब इस कुंडली में सम ग्रह की बात करते हैं। सम ग्रह तो नंबर वन सम ग्रह आते हैं चंद्रमा। देखिए जन्म कुंडली का दूसरा भाव जहां पर चार नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, लग्नेश बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, लेकिन चंद्रमा लग्नेश बुध को शत्रु नहीं मानता है और जन्म कुंडली का द्वितीय भाव सम भाव होता है। सम ग्रह में नंबर वन पर आ गए चंद्रदेव। अब आते हैं जन्म कुंडली के तीसरे भाव पर, जहां पर आप पांच नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, जन्म कुंडली का तीसरा भाव, इसके स्वामी बनते हैं सूर्यदेव। अष्टम से अष्टम तीसरा भाव साहस पराक्रम मेहनत का भाव है, इस भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य बुध को मित्र मानते हैं, बुध सूर्य को न तो मित्र मानते हैं और न शत्रु मानते हैं, और भाव जो सूर्य को मिला है तीसरा भाव जो कि न्यूट्रल भाव है। तो यहाँ पर दूसरा सम ग्रह बन गए सूर्य। अब देखते हैं इस जन्म कुंडली के लिए कौन कौन से ग्रह मारक होते हैं। तो सबसे पहले नंबर वन छठे भाव पर चलेंगे, जहां पर आठ नंबर लिखा हुआ है, वृश्चिक राशि। मंगल देव इस कुंडली के लिए षष्ठे और छठे से छठे एकादश भाव के स्वामी होते हैं। चूंकि छठा भाव एक त्रिक भाव है, इसकी गिनती बुरा भाव में किया जाता है, हालांकि मंगल की मूल त्रिकोण राशि एकादश भाव में है। उसके बाद में मंगल को देखें तो लग्नेश बुध का शत्रु है, बुध भी मंगल को शत्रु मानता है और मंगल भी बुध को शत्रु मानता है, यानी मंगल और बुध ये एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। प्रथम मारक ग्रह के रूप में बने मंगलदेव। अब चलते हैं सप्तम भाव पर, जहां पर नौ नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं, धनु राशि। धनु राशि के स्वामी बृहस्पति देव होते हैं। द्यु स्वाभाविक लग्न के लिए सप्तम भाव बाधक भाव होता है और मारक भाव तो सप्तम ऑलरेडी होता ही होता है, लेकिन इस कुंडली के लिए बृहस्पति दशम भाव के भी स्वामी है, जहां पर 12 नंबर अर्थात मीन राशि आप देख रहे हैं। तो बृहस्पति इस लग्न की कुंडली के लिए सप्तमेश और दशमेश हुए। अब बात करते हैं राहु और केतु के बारे में। तो राहु जिस लग्न की कुंडली में शनि योग कारक होता है या शनि शुभ फलदायी होता है, उसी लग्न की कुंडली के लिए राहु शुभ फलदायी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो शुभ ही होगा। अब मंगल, तो मंगल जिस लग्न की कुंडली के लिए योग कारक होता है या सामान्य शब्दों में कहें तो शुभ फलदायी होता है, उसी लग्न की कुंडली के लिए केतु शुभ फलदायी होता है, जरूरी नहीं कि केतु शुभ फल ही दे। यहां पर ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति कई बार मारक होते हुए भी इतना शुभत्व प्रभाव देते हैं जितना शनि और शुक्र भी नहीं देते। मंगल कई बार
मारक होते हुए भी इतना शुभ फल दे देते हैं, जातक को अच्छा बिजनेसमैन जॉब में भी भेज देते हैं, उतना शनि भी नहीं दे पाते। और शनि इस कुंडली में भाग्यश होने के बावजूद भी कई बार इतना मारक प्रभाव देते हैं जितना कि मंगल और बृहस्पति मारक होने के बावजूद भी बुरा नहीं करते। तो वो डिपेंड करता है कि ये ग्रह आपकी कुंडली में किस स्थिति में बैठे हुए हैं, उस स्थिति के अनुकूल ही इनके शुभ अथवा अशुभ फल की विवेचना की जा सकती है। जिस स्थिति में ये लोग जन्म कुंडली में बैठे हुए रहेंगे अपने बलाबल शुभ प्रभाव या अशुभ प्रभाव में, ठीक वैसा ही ये अपनी महादशा या अंतरदशा में फल करते हैं।